Hello guys, myself is Agarwal. Welcome to the Code Fix, a channel made for you, made by you. So let's now start today's MVP problem. The problem today we have to solve is least prime factor. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक नंबर n दिया हुआ होगा और अपने को सिंपली 1 से लेके n तक सभी नंबर्स के लिए उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर प्रिंट करवा देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें, तो इस एग्जांपल में अपन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लीस्ट प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर अपना वो मिनिमम नंबर होता है जिससे अपना नंबर डिवाइड हो पाए। तो अपने को 1 से लेके n तक सभी नंबर्स के लिए अपना लीस्ट प्राइम फैक्टर प्रिंट करवा देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक कैच जो है वो ये है कि अपना जो 1 होगा उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 1 होगा। तो 1 के लिए हमेशा अपने को 1 प्रिंट करवा देना है और अपने को जो सारे लीस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं वो उनके पोजिशन पे ही प्रिंट करवाने हैं। जैसे अगर अपन 1 का लीस्ट प्राइम फैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं तो अपने को उसको फर्स्ट पोजिशन पे प्रिंट करवाना है। 2 का लीस्ट प्राइम फैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं तो अपने को उसको सेकेंड पोजिशन पे प्रिंट करवाना है। सिमिलरली 3 का लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो अपने को थर्ड पोजिशन पे प्रिंट करवाना है एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, तो अपना जो जीरो पोजीशन होगी उसके ऊपर बाई डिफॉल्ट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो पोजीशन पे अपना हमेशा जीरो आएगा। 1 के लिए अपना लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 1 होता है, इसलिए अपन 1 प्रिंट करवा देते हैं। अब अपने को 2 से लेके n तक सभी नंबर्स के लिए लीस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2 जो है वो अपना एक प्राइम नंबर होता है, तो 2 जो है वो सिर्फ 1 से या 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 1 जो है वो अपना एक प्राइम नंबर नहीं होता है, उसको अपन इस कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपना 2 जो है वो अपना एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि अपने इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए अपना 2 का जो लीस्ट प्राइम नंबर होगा वो अपना 2 ही होगा। ठीक है, अब 2 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो अब 2 के जो मल्टीपल्स है जैसे 4 है और 6 है, इनके लिए जो लीस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे वो भी 2 ही होंगे, क्योंकि अपने को जो नंबर है जो इटरेशन है वो 2 से स्टार्ट करनी है। तो अपन सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से ही डिवाइड हो रहे होंगे, मतलब अपना जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 होगा। तो अपन ने क्या किया, अपनी जो फर्स्ट पोजीशन थी उसके ऊपर 1 स्टोर किया था, क्योंकि 1 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 1 था। अब 2 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, तो अपन ने 2 प्रिंट करवा दिया है। फिर अपन को पता चला कि अपना जो 4 है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर भी 2 होगा, तो अपन ने 3 के लिए स्पेस छोड़ के 4 का लीस्ट प्राइम फैक्टर भी 2 कर दिया है। सिमिलरली 5 के लिए स्पेस छोड़ के 6 का लीस्ट प्राइम फैक्टर भी 2 कर दिया है। ठीक है, 6 के आगे अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो n है वो 6 है, तो अपने को 1 से लेकर 6 तक ही जो लीस्ट प्राइम फैक्टर्स थे वो प्रिंट करवाने थे। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो 3 के लिए अपन देखते हैं कि लीस्ट प्राइम फैक्टर अपना क्या होगा। तो 3 जो है वो भी अपना एक प्राइम नंबर होता है, तो 3 जो है वो भी 1 से और 3 से ही डिविजिबल होगा। अब 1 तो अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं, 1 को अपन बाय डिफॉल्ट किसी भी एक्सप्रेशन के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जो है वो सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो अगर अपन 1 को कंसिडर करने लगे तो अपने पूरे एरे में सिर्फ 1111 स्टोर होगा। ठीक है, इसलिए अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो अपना 3 होगा, तो अपना 3 जो है वो 3 से ही जाता है, तो अपन 3 की पोजिशन पे 3 लिख देंगे। और 3 का जो मल्टीपल है, मतलब 6 है 9 है, इनकी पोजीशन पे अपन 3 लिखते हैं। लेकिन उससे पहले अपन चेक करेंगे कि क्या अपनी जो 6 की पोजीशन थी उसके ऊपर 0 स्टोर्ड है क्या। तो 0 स्टोर्ड नहीं है, मतलब 6 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, इसलिए अपन 3 से अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं, अब अपन 5 के लिए लीस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 भी अपना एक प्राइम नंबर है, तो 1 और 5 से ही डिवाइड होगा, 1 से अपन कर नहीं सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि 5 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 5 होता है। तो अपन क्या करेंगे, 5 की पोजीशन पे 5 लिख देंगे, और उसकी जो मल्टीपल्स है वो अपनी रेंज में एक्सिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए अपन उनके मल्टीपल्स के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये अपना आंसर है और यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। और अपना आंसर जो है वो अपने आउटपुट से मैच कर रहा है, मतलब अपन क्वेश्चन और अप्रोच दो ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अपन क्या करेंगे, अपन 0 पोजीशन पे 0 को स्टोर करके रखेंगे और बाय डिफॉल्ट हर पोजीशन पे अपन 0 स्टोर करके रखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो 1 कर देंगे, क्योंकि अपना 1 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो हमेशा 1 होगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपन 2 से इटरेशन स्टार्ट करेंगे। अपन ने सबसे पहले 2 के लिए देखा, तो 2 एक प्राइम नंबर है, मतलब वो सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा। तो अपन ने क्या किया, 2 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 कर दिया, और जो उसके मल्टीपल्स होंगे 2 के उनका भी लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, क्योंकि अपना जो मिनिमम नंबर है जिससे अपने को डिवाइड चेक करना है वही 2 है। ठीक है, तो 4 के लिए लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा और 6 के लिए भी लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा। तो अपन ने 4 के लिए और 6 के लिए जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 डिसाइड कर लिया है। और अगर अपने किसी और एग्जांपल में अपना जो n है वो 6 से भी बड़ा होगा, तो उसके बाद भी जितने अपने 2 के मल्टीपल्स होंगे सबके जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो अपन 2 कर देंगे। फिर अपन ने 3 के लिए देखा,
तो 3 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो भी अपना 3 आया है, तो अपन क्या करेंगे 3 की पोजीशन पे 3 को स्टोर कर देंगे, और 3 के मल्टीपल्स भी अगर 0 होंगे, मतलब 3 के मल्टीपल्स वाली पोजीशन पे भी अगर 0 स्टोर होगा तो अपन 3 के मल्टीपल्स वाली पोजीशन पे भी 3 कर देंगे। जैसे अगर अपनी रेंज जो है वो 9 तक जाती तो 9 जो है उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होता वो अभी 0 होता, तो 9 के पोजीशन पे अपन 3 कर देते हैं। बट अभी अपना जो रेंज है वो 6 तक ही है, और 6 एक मल्टीपल होता है 3 का, लेकिन 6 का प्राइम फैक्टर अपन ऑलरेडी 2 से कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली अपन 5 के लिए करेंगे कि 5 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 5 होगा, तो अपन ने वही इनिशियलाइज कर दिया है। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है कि अपने को हर पॉइंट पे लीस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके मल्टीपल्स को वही लीस्ट प्राइम फैक्टर एलोकेट कर देना है, फिर अपने को चेक करना है कि क्या किसी दूसरे नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 0 है, अगर 0 होगा तो अपने को उस नंबर के लिए भी लीस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है, और फिर उसके मल्टीपल्स पे भी वही स्टोर कर देना है। तो एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने एक एरे बनाया है लीस्ट प्राइम फैक्टर्स का, जिसको मैंने किया जिसको मैंने अपने एन तक मतलब अपने साइज तक बनाया है, और फिर मैंने उन सभी लीस्ट प्राइम फैक्टर्स को अभी के लिए 0 इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मैंने अपनी फोर्थ पोजीशन पे 1 किया है, क्योंकि अपने 1 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 1 होगा। फिर मैंने 2 से लेके एन तक इटरेट किया है, और फिर मैंने बोला कि अगर अपने किसी भी नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 0 आ रहा है, तो देखो कि क्या अपना जो वो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, वो ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर होगा, तो अपन क्या करेंगे उस नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो उसी नंबर को स्टोर कर देंगे, और फिर अपन उसके मल्टीपल्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले अपन उसके सेकेंड मल्टीपल के लिए देखेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे अपन उसके अंदर आई को प्लस करते जाएंगे, मतलब फर्दर सारे मल्टीपल्स के लिए देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि क्या उनका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 0 है। अगर उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर 0 होगा तो अपन क्या करेंगे अपन उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है उसी नंबर से एलोकेट कर देंगे, और लास्ट में अपने लीस्ट प्राइम फैक्टर वाले एरे को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपको डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस टाइम।